वेलकम टू चानू ब्यूटी हिल्स चैनल। आज मैं आपके साथ एक फेस वॉश के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्योंकि ये फेस वॉश को मैं रेगुलर बेस में मैं खुद भी घर पे यूज़ करती हूँ और साथ साथ सैलून में भी मेरे क्लाइंट्स में भी यूज़ करती हूँ। मेरा स्किन पे भी और मेरा क्लाइंट्स की स्किन पे भी अच्छा रिजल्ट आया है। वो क्या रिजल्ट है मैं आगे आपको फेस वॉश दिखाते हुए एक्सप्लेन करूँगी। आ जाइए। वो फेस वॉश ये है, अरोमा ब्लॉसम कोचर कंपनी का है, अरोमा ब्लॉसम कोचर और एक्टिवेटेड बैम्बू चारकोल फेस वॉश है। ये 100 ml का है, इसमें 210 rupees लिखा हुआ है प्राइस इसका। मैंने नाइका ऐप से लिया है, मेरे को 160 तक पड़ा है और इसमें 6 बेनिफिट्स भी लिखा हुआ है। वो क्या क्या है मैं अभी पढ़ के बताऊँगी। ये फेस वॉश यूज़ करने से सबसे पहले आपका स्किन को डीप क्लीन करेगा। स्किन को क्लीन करना क्या है और डीप क्लीन क्या होता है ये आपको डाउट आता होगा। डीप क्लीन मतलब आपका स्किन के ऊपर जो डस्ट है वो सब क्लीन करेगा, साथ साथ आपका ओपन पोर के अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, इम्प्यूरिटीज़ मतलब ब्लैकेट्स वाइटेट्स, वो भी क्लीन करेगा। एक तो आपका स्किन को डीप क्लीन करेगा, आपका ओपन पोर के अंदर जो ब्लैकेट्स वाइटेट्स है वो भी क्लीन करेगा। आपके स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स है तो डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करेगा। हमारा स्किन में डेड स्किन सेल्स क्यों आता है, हमारा स्किन ड्राई होगा तो स्किन एक्सेस ड्राई होने की वजह से हमारा स्किन में डेड स्किन सेल्स बन जाता है, या नहीं तो विंटर्स में ज़्यादा ठंड की वजह से हमारा स्किन में डेड स्किन सेल्स बन जाता है। रेगुलर हम मॉइस्चराइजर वगैरह लगा के ना रखेंगे तो और ज़्यादा डेड स्किन सेल्स बन जाता है। जब हमारा स्किन में डेड स्किन सेल्स ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा स्किन ब्रीथ लेने में मुश्किल हो जाएगा। जब ये डीप क्लीन करेगा, डेड स्किन सेल्स निकालेगा, ब्लैकेट वाइटेट निकालेगा तो स्किन में ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाएगा और स्किन को ब्रीथ लेने में भी इजी हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर ये आपका ओपन पोर को टाइट करने में भी मदद करेगा ये फेस वॉश, और भी आपका एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरिया जैसे प्रॉब्लम्स है तो उसको भी क्योर करेगा, और ये आपका सेल्स को रीजनरेशन करेगा, और ये फेस वॉश यूज़ करने की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाएगा। सो मैं भी इसको रेगुलर बेस में डाली यूज़ करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और मेरे क्लाइंट्स पे भी यूज़ करती हूँ। आज इसको मैं फेस वॉश करके दिखाऊंगी इसका रिजल्ट कैसे होगा। आ जाइए। इस फेस वॉश हर कोई स्किन टाइप में यूज कर सकते हैं। सब लोगों का ये डाउट आता है मेरा स्किन ड्राई है, मेरा स्किन ऑयली है, मेरा स्किन नॉर्मल है, लेकिन कोई भी स्किन टाइप हो आपका ये वाला आप यूज कर सकते हो। लेकिन यूज करने के बाद अगर आपका स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर या क्रीम लगा के रखना होगा। अगर आपका स्किन ऑयली है, आप रेगुलर बेस में जो लोशन यूज करते हैं आपका ऑयली स्किन पे, वो आप यूज करना होगा। सबसे पहले हमारा, मैं अभी फेस में नहीं दिखा रही हूँ, हाथ में दिखाऊंगी। सबसे पहले आपका फेस को पूरा इस तरह गीला करना है पहले, उसके बाद ये फेस वॉश को थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में एक ड्रॉप लेने से आपका पूरा फेस क्लीन हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं है, एक ड्रॉप की मात्रा में आप ले लीजिए। ये वेट फेस में आप वेट स्किन में इसको अप्लाई करके हल्का हाथ से मसाज कर लीजिए, गोल गोल करके आप मसाज कर लीजिए। मसाज करते हुए इसको आप फेस में क्लीन करेंगे तो तभी आपको डीप क्लीन होगा और आपका डेड स्किन सेल्स है तो भी क्लीन होगा। 1 मिनट आप मसाज करने के बाद फिर इसको वॉश करना है। अभी आपको दोनों हाथ का डिफरेंस पता चलेगा, इसको मैं एक बार पोंछती हूँ, देख लीजिए दोनों हाथ में आपको डिफरेंस पता चलता होगा। इस हाथ में डेड स्किन सेल्स भी है, स्किन ड्राई हो रखा है, और इस हाथ में आपका स्मूथ फिनिशिंग भी दिख रहे। ये फेस वॉश यूज़ करने की वजह से आपका स्किन स्मूथ भी होता है और ब्राइटन भी होता है और डेड स्किन सेल्स भी निकल जाता है। अगर आप फेस में यूज़ करेंगे तो ब्लैकहेड व्हाइटहेड भी क्लीन होता है, ओपन पोर भी टाइट होता है, आपको डिफरेंस पता चलता होगा। मुझे ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और मेरा क्लाइंट्स पे भी सैलून में यूज़ करती हूँ। आप भी यूज़ करके देख लीजिए और आपको पसंद आया तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलते रहूँगी।